भी है नहीं, और मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, बिल्कुल गलत है ये। मैंने साइबर क्राइम को बोला है, अभी मैं बोला तो है पर मैं अभी गिरफ्तारी नहीं कराऊंगा ऐसे जो भी सज्जन ने जिन्होंने डाला है, पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज मैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में आदेश भी जारी करूँगा कि सभी जितने भी मोबाइल ग्रुप्स हैं एडमिन्स अपने कंट्रोल में रखें, कोई भी पोस्ट ना होने दें उसमें, है ना। अब अगर किसी ने गलती की है उसमें मैं गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दूंगा मैं। किसी ने भी भ्रांति फैलाई इस तरह की, जो कोविड को मैनेजमेंट में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें विपरीत टाइप की, कुछ और भी किसी ने, और भी डॉक्टर हैं कोई मुझे कल मालूम पड़ा कोई हैं, उन्होंने बोला कि साहब घरों से निकलो बाहर, तो इस तरह की अपील की उन्होंने फेसबुक पे। ऐसा जो भी इस कोविड की फाइट में इस तरह की निगेटिव चीज़ें जो भी करेंगे हम उठा के पटक के उनको जेल में भेज देंगे उनको। तो अभी मैं आपके माध्यम से सचेत कर रहा हूँ, आप लोग इसको बतलाओ आम जनता को, इसमें कोई भी निगेटिव तत्व घर में बैठे हैं खुरापा सूझी उनको, मैं क्लियर पुलिस को इंस्ट्रक्शन है और अगली बार मैं इंश्योर करूँगा कि पुलिस जाकर उठा के लाए उनको। सर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर घर में जरूरी ये बात सही है कि कुछ कुछ के टेस्ट बहुत जगह हो रहे हैं तो कई जगह कम ज़्यादा फिगर हुए हैं उसमें, तो मेरे ख्याल से 130-135 करीब है अभी फिगर अभी, और मैंने बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं अपना ख़राब किया उसमें, क्योंकि हमारा मेन अगर कहीं फिगर आता भी है तो उसे चिंता करने की बात नहीं है। जो ये टीम्स हम लगा रहे हैं जहाँ ही मालूम पड़ जाएगा कोई केस आया है इमीडिएटली वहाँ चारों तरफ हम टीम लगा देंगे, तो उससे अपनी बचाव होगा। यही चीज़ जरूरी, आइडेंटिफाई करो आप, टेस्ट कराओ, सैम्पलिंग करके टेस्ट कराओ आप, अगर पॉजिटिव आता है तो उस एरिए में जो टीम्स लगा करके सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं वो कार्रवाई करें उसमें। अन्य बीमारियों को लेकर जो मरीज परेशान हो रहे हैं उनके लिए कुछ आज मैंने प्रेस रिलीज में जारी किया है, ऐसे अस्पताल संचालनकर्ताओं को समझाइश भी दी उस प्रेस रिलीज में, और मैंने उनको चेताया भी है कि ऐसी सारी सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं कौन से अस्पताल कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने व्यक्तिगत फ़ोन करके समझाइश भी दी, नाराजगी व्यक्त की है, और ये भी मैंने प्रेस रिलीज में जारी किया है कि ऐसे अस्पताल वालों भविष्य के लिए सचेत रहें। अगर इस समय शहर की जनता को उन्होंने साथ नहीं दिया तो ये शहर की जनता रहवासी और ना ही हम लोग, उनको ये समस्या ख़त्म होगी अभी, उसके बाद हम लोग माफ़ नहीं करेंगे इनको, ये अस्पताल फिर दिक्कत आएगी इनको संचालन में। जो नए इलाके जुड़े हैं बहुत कम हैं एक्चुअली, ज़्यादातर इस समय भी अब टाटपट्टी बाखल है या चंदन नगर के कुछ केसेस हैं, कुछ खजराना के हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्वारंटाइन ही, सबसे बड़ी संख्या तो वो है जिन लोगों को निकाल के क्वारंटाइन कर दिया था हम लोगों ने, संख्या वहाँ ज़्यादा है। अलग अलग क्षेत्रों में भी जो आ रहे होंगे उनको भी ये जो इस तरह की टीम बनाएंगे उस एपिसेंटर के 500 घर लेके वहाँ भी हम लोगों को टीमें लगानी पड़ेगी ताकि उस एरिया का रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकें हम लोग। वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं उस पर हम लोगों का घर घर में कंट्रोल हो, लोगों को मालूम चले कि अगर उन पर कोई तबीयत ठीक है कि नहीं है। कई बार 99% लोगों में कोविड नहीं रहता है, 98% लोग कोविड नहीं रहता है, पर अगर वो कुछ भी इस तरह के सिम्टम में घबरा जाते हैं लोग, तो डर निकालने के लिए घर पर ही दवाई देने के लिए पूरी टीम्स लगाई हैं हम लोगों ने। आशीष जो ये नयापुरा, रानीपुरा, हाथीपाला, दौलतगंज, चंपाबाग, नॉर्थ थोड़ा, साउथ थोड़ा, इस पूरे एरिया के लिए हम लोगों ने लगभग 70 लोगों की टीम लगाई है। हर 200-250 घरों पे एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीम रहेगी। 14 दिन तक ये 200-250 घर को ही फिक्र करेंगे, जो रहवासी हैं वहाँ के उनकी फिक्र करेंगी और उनका केयर करेंगी उनकी। अगर उनसे कहीं कोई 60 से बुजुर्ग व्यक्ति है, कुछ उसको समस्या हो रही है स्वास्थ्य की, उसको गाइड करेंगी, उसके स्वास्थ्य का करेंगे। अगर लगता है ऐसा कि कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं कोविड के तो उनको फिर अस्पताल में हम लोग भर्ती कराएंगे, पर वो लास्ट स्टेज में होगा। पहले उनको विश्वास अर्जित करेंगे उनका, ताकि वो डरे नहीं, वो खुल के बताएं समस्या अपनी। तो ये 14 दिन के लिए इस पूरे एरिया में अगर टीम लगा देते हैं, अगर इसमें 20-25 लोग भी ऐसे आते हैं जिसको कि हम लोग लगता है अस्पताल में भर्ती करना है, तो हम लोग अस्पताल में भर्ती करके 7-8 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। डिस्चार्ज करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं निगेटिव रिपोर्ट्स के, फिर वो अगले 7 दिन में जाते हैं, वो घर चले जाते हैं लोग, ताकि किसी प्रकार की उनकी जान बच सके, कोई उनको तकलीफ ना हो। इसलिए ये टीम्स लगाना शुरू कर दी हम लोगों ने। स्थानीय लेवल पर जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैंने स्वयं बात की है कि उस टीम को सपोर्ट करेंगे वो। इसमें मेडिकल के पैरामेडिकल स्टाफ भी है, डॉक्टर्स भी हैं, और इनके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अलग से भी लोग लगाए हैं कि ये टीम को दिक्कत नहीं हो कोई भी। और वहाँ पे एनजीओज़ को भी कुछ हम लोगों ने मोटिवेट किया है, वो एनजीओज़ भी टीम के साथ जा रहे हैं। ऐसे ही आज शाम को 7 स्टेडियम पर टाटपट्टी बाखल और पूरे 5-6 घरों के लिए भी टीम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद चंदन नगर, खजराना और आज़ाद नगर में जो एक केस आया था, ताकि ये जो फोकस एपिसेंटर हैं इसके चारों तरफ के 3-4 हज़ार घरों की मैपिंग कर सकें हम लोग, उनके स्वास्थ्य की फिक्र कर सकें, और कोई भी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो स्थिति बिगड़ने से पहले ही हम लोग ट्रीट करके इलाज कर सकें उसका। सर एक आपका मैसेज चल रहा है सर, एक आपके तो क्या तरह की कोई है? नहीं, मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, बिल्कुल गलत है ये।
मैंने साइबर क्राइम को बोला है, अभी मैं बोला तो है पर मैं अभी गिरफ्तारी नहीं कराऊंगा ऐसे जो भी सज्जन ने जिन्होंने डाला है, पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज मैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में आदेश भी जारी करूंगा कि सभी जितने भी मोबाइल ग्रुप्स हैं एडमिन्स अपने कंट्रोल में रखें, कोई पोस्ट ना होने दें उसमें, है ना। अब अगर किसी ने गलती की है उसमें मैं गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दूंगा। मैं किसी ने भी भ्रांति फैलाई इस तरह की, जो कोविड को मैनेजमेंट में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें विपरीत टाइप की, कुछ और भी किसी ने, और भी डॉक्टर हैं कोई मुझे कल मालूम पड़ा कोई है, उन्होंने बोला कि साहब घरों से निकलो बाहर, तो इस तरह की अपील की उन्होंने फेसबुक पे। ऐसा जो भी इस कोविड की फाइट में इस तरह की निगेटिव चीज़ें जो भी करेंगे हम उठा के पटक के उनको जेल में भेज देंगे उनको। तो अभी मैं आपके माध्यम से सचेत कर रहा हूँ, आप लोग इसको बदलाओ आम जनता को, इसमें कोई भी निगेटिव तत्व घर में बैठे हैं खुरापा सूझी उनको, मैं क्लियर पुलिस को इंस्ट्रक्शन है और अगली बार मैं इंश्योर करूँगा कि पुलिस जाकर उठा के लाए उनको। सर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर हम आगे इस पे जाने वाले, अभी देखिए ये मेडिकल लाइन वाली चीज़ें जो भी हैं वो जब तक स्टेट की मेडिकल टीम सर्टिफाई नहीं करती है तब तक हम लोग उसको इंश्योर नहीं कर सकते हैं। एक क्विक टेस्ट, एक रैपिड टेस्ट का कोई किट आया है, आज मैं बात कर रहा हूँ भोपाल में, उसमें ये बतला रहे हैं कि अगर वायरस कोई भी बॉडी में होता है वो 10 मिनट में बतला देती है, पर वो वायरस कोविड का है वो 90% तक ही कंफर्म हो पाता है, 10% के अंदर गलत भी आती है रिपोर्ट। तो वो मैं स्टेट गवर्नमेंट से बात करूँगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल टीम और दिल्ली की ICMR जिसको भी सर्टिफाई करेगी उसको हम पालन करेंगे। ऑनलाइन जो ग्रोसरी सप्लाई करती थी कंपनियां, कुछ बड़े सुपर मार्केट जिनको अनुमति दी है आपने, ये लोग कब तक फंक्शनल हो पाएंगे, क्योंकि लोगों में बड़ी जिज्ञासा है। यार मैं आज उनको, मैंने ADM को बोला है सबसे बात कर ले कि वो पूरा बैकएंड लॉजिस्टिक तैयार कर रहे होंगे, गाड़ियाँ उनकी बंद पड़ी थी, उनकी ड्राइवर्स नहीं रहे होंगे, तो करने में एक दो दिन का समय लगता है। सर एक एक समस्या, मतलब समस्या नहीं कहेंगे कि ये है कि फिगर को लेकर है, कल रात तक का क्या एग्जैक्ट फिगर है, कितनी डेथ हुई, क्योंकि अलग अलग